हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRDE 002, जिसका शीर्षक है ग्राम विकास में स्वैच्छिक क्रिया, के चैप्टर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को बताने जा रहा हूं। हालांकि आप लोगों को MRDE 002 के अंतर्गत टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है स्वैच्छिकवाद, राज्य और समाज। चैप्टर 2 है स्वैच्छिक संगठनों की मूल विशेषताएं। चैप्टर 3 है स्वैच्छिक संगठन और ग्राम संगठन। चैप्टर 4 है स्वैच्छिक संगठन ग्राम विकास में भूमिका और अनुभव। इससे पहले मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बता चुका हूं। अगर आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर इन सभी प्रीवियस चैप्टर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं चैप्टर 4 को डील करने जा रहा हूं। चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है स्वैच्छिक संगठन ग्राम विकास में भूमिका और अनुभव। यह चैप्टर 4 का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ग्राम विकास के संदर्भ में एनजीओ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और राज्य की गति के बीच संबंध की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, अथवा ग्राम विकास के संदर्भ में राज्य और एनजीओ के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। यह जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया है। अथवा स्वैच्छिक क्रिया एकक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी जून 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु है ग्राम विकास के संदर्भ में एनजीओ की क्या भूमिका है, इसे जानेंगे। राज्य और एनजीओ के बीच संबंध क्या है, एनजीओ दृष्टिकोण क्या है, राज्य की नीति के संबंध एनजीओ की क्या भूमिका है, राज्य की नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, विकास में राज्य और स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को एक एक करके जानेंगे। सभी बिंदु को हम लोग जानेंगे बारी बारी से। तो पहला बिंदु जानते हैं कि ग्राम विकास के संदर्भ में एनजीओ की भूमिका। तो भारत में राज्य और एनजीओ के सहयोग से बहुत सारे योजनाओं को लागू किया जा चुका है। अगर हम राज्य के स्तर पर देखें तो राज्य की नीति और एनजीओ दृष्टिकोण के बीच जो संबंध है वो राज्य की सहायता का आदान प्रदान का है। मतलब जो एनजीओ और राज्य के द्वारा जो संबंध होता है उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है किसी भी सुविधा को गरीब जनता तक उपलब्ध कराना। एनजीओ की दृष्टिकोण और एनजीओ के बीच जो संबंध होता है उसका परस्पर होता है किसी भी योजना के संचालन हेतु उसके कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसमें सही तरीके से नियंत्रण किया जा सके, उसमें सही तरीके से क्या हो उसका रूपरेखा तैयार किया जा सके। इन सभी दृष्टिकोणों का जो अध्ययन होता है वो एनजीओ और राज्य सरकार के संबंध के अध्ययन में किया जाता है। एनजीओ के दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो राज्य और एनजीओ के ग्राम विकास से जुड़े अनेक समान सरोकार और उद्देश्य को जाना जाता है, साझा किया जाता है। राज्य के अधिकांश योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जो कि बड़े पैमाने में लागू किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विकासात्मक कार्य किया जा सके, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अधिक विकास से जुड़ सके, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग क्या हो विकास के कार्य को कर सके। उसके लिए समय समय में प्रशिक्षण दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है बहुत सारे योजनाओं में। बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले निर्धन गरीब लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने के उपरांत उसके लिए रोजगार सृजन किया जाता है, ताकि वो क्या हो वो बेरोजगार ना रहे, वो रोजगार की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपने विकास को आगे बढ़ा सके। एनजीओ के भागीदारी से बहुत सारे चीज सुस्पष्ट होते हैं। इसमें सभी तत्वों के लोग के साथ साथ वैसे लोग जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग से आते हैं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए विशेषकर कार्य किया जाता है। बहुत सारे राज्य की सहायता पाकर बहुत सारे एनजीओ गरीबों के लक्षणों को निपटाने का भी काम किया है, गरीबी को कम करने का काम किया है। इसमें जैसे खराब स्वास्थ्य, निम्न शिक्षा स्तर, घटिया सफाई व्यवस्था एवं आवास जैसी कठिनाइयों को, आवास जैसी दुविधा को दूर करने का भी काम किया गया है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग स्वास्थ्य खराब होने से भी क्या होते हैं, बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं या स्वास्थ्य खराब से संबंधित जानकारी नहीं पाते ले पाते हैं, उसे जागरूकता नहीं मिल पाती है, तो एनजीओ इसके लिए काम करती है। एनजीओ क्या करती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करती है, उसे स्वास्थ्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देती है ना। नेक्स्ट क्या है, निम्न शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि आपके आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना है, साफ सफाई से क्या लाभ है,
अगर आप साफ सफाई रखते हैं, अपने आसपास को साफ सुथरा रखते हैं, तो आपके इसका प्रभाव जो है वो आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा, आपके शरीर पे पड़ेगा, आप निरोग रहिएगा, आप कम बीमार पड़ेगा। इन सभी चीजों का जानकारी राज्य सरकार के द्वारा एनजीओ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है। बहुत सारे कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं को भी ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है आय अर्जन में ग्रामीण निर्धन को सुलभ बनाना। साथ ही साथ एनजीओ के प्रयास ऐसा भी प्रयास होता है कि ग्रामीण समाज में जो विषमताएं हैं, जो विषम सामाजिक मानसिकता है, जो आर्थिक संरचना में जो कमी है, उन सभी को उन्नत किया जा सके। अगर हम राज्य की नीति के संबंध के बारे में अगर बोले तो राज्य के नीति के अंतर्गत वित्त पोषण को शामिल किया गया, मतलब किसी भी योजना को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, बजट की आवश्यकता होती है, उसमें पूंजी लगता है, उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। राज्य के वित्त पोषण के प्रावधानों के साथ परिवर्तन और विकास के प्रति भारतीय राज्य के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता ने स्वतंत्रता प्राप्त करते ही स्वैच्छिक संगठन में बहुत जोर दिया है, स्वैच्छिक क्षेत्र में बहुत विस्तार किया है, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो सके, ग्रामीण लोगों का विकास हो सके। इसमें पंचवर्षीय योजना का बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है। पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 56 के बीच जो पहला पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना, विकास की प्रक्रिया को जोड़ देना, विकास से संबंधित योजनाओं को लागू करना। इन सभी चीजों को क्या किया है, अधिक से अधिक सुचारू बनाने के लिए एनजीओ को आगे आना पड़ा। एनजीओ के द्वारा बहुत सारे कार्य नीतियों को सुचारू बनाने के लिए कार्य किया गया है। राज्य की नीति के संबंध में अगर हम बात करें तो राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में भी कार्य किया है। स्थानीय समुदाय में कार्यरत योग्यता प्राप्त और अभिप्रेरित कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले एनजीओ को मान्यता दी है। राज्य सरकार के द्वारा वैसे एनजीओ को मान्यता दी है, हालांकि अगर कोई एनजीओ किसी कार्य को करता है, किसी कल्याणकारी कार्य को ग्रामीण क्षेत्रों में करता है, तो उस एनजीओ को रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है, उस एनजीओ को पंजीकरण भी कराना पड़ता है। अगर कोई एनजीओ पंजीकृत होती है जो कि राज्य सरकार के द्वारा पंजीकृत होती है, तो राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाओं को चलाने के लिए उसे फंडिंग किया जाता है। राज्य सरकार क्या करती है, वित्त पोषण देती है। मतलब अगर मान लीजिए हम कोई एनजीओ खोले और उस एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है हम राज्य सरकार के द्वारा कर लेते हैं और हम क्या करते हैं उस एनजीओ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी काम करते हैं, तो इस दृष्टिकोण में राज्य सरकार देखेगी कि ये एनजीओ क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है, इस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है, तो हमें बहुत सारा काम सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ताकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कर सके। उसके लिए हमें वित्त पोषण भी किया जाता है, हमें क्या पैसे की उपलब्धता भी कराई जाती है, हमें वित्त की उपलब्धता भी कराई जाती है, वित्त का आवंटन हमें दिया जाता है, ठीक है, हमें राशि दी जाती है सरकार के द्वारा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से उन्नत तरीके से कार्य कीजिए। तो एनजीओ को क्या क्या आता है, अगर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, तो उसे सरकार के द्वारा पैसा फंडिंग की जाती है, उसे वित्त पोषण दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है, कर्मचारियों द्वारा जो चलाए गए एनजीओ होते हैं उसे मान्यता के साथ साथ वो सही और सुलभ तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे योजनाओं में यह देखा गया है कि एनजीओ के लिए जो राज्य वित्त पोषण के लिए एक जो सीमा है उसके निर्धारण के लिए बहुत सारे बिंदुओं को उन्हें सरकार के द्वारा साझा किया जाता है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। अगर मान लीजिए आप एनजीओ का रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सरकार के पास साक्ष्य रखना पड़ता है, एविडेंस रखना पड़ता है, दस्तावेज रखना पड़ता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम एनजीओ के माध्यम से कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, तो आप मेरे मुझे क्या कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए, आप अपने दस्तावेज अपने जो नियम है नियम कानून के अनुसार आप इस एनजीओ को रजिस्टर कीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एनजीओ को अपना दस्तावेज दिखाना पड़ता है, अपना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, अपना साक्ष्य देना पड़ता है, एविडेंस देना पड़ता है, इसके उपरांत ही किसी एनजीओ को रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है, रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी राज्य सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत राज्य में अपनी संस्थाओं के माध्यम से एनजीओ को ग्राम विकास परियोजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल करने का भी प्रयास किया जाता है, जिसमें एनजीओ ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों तक अधिक से अधिक वो क्या कर सके, लाभ पहुंचा सके। राज्य सरकार ने या फिर राज्य ने अधिकतर ग्राम विकास के क्षेत्र में एनजीओ के विचारों और परिवर्तनों और अनुभवों का आकार वर्धन और वृद्धि के लिए उसे वित्त की सहायता देती है। सही नीतिगत ढांचा को अगर एनजीओ के माध्यम से यूज किया जाए तो एनजीओ में व्यापक वृद्धि होती है।
एनजीओ के कार्य को पंचायती राज संस्थानों के द्वारा संस्थानों के सहायता से क्या है उसे कार्य प्रणाली में जोड़ा गया है। मतलब पंचायती राज संस्थानों में एनजीओ की जो रोल है वो बहुत आम होती है। किसी भी पंचायती राज प्रणाली में कोई भी अगर प्रोग्राम चलता है, कोई भी कार्यक्रम चलता है, कभी कोई भी योजना चलता है तो उसमें एनजीओ की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। विकास में राज्य और स्वैच्छिक संगठन की भागीदारी का अगर बात करें तो इसके अंतर्गत स्वैच्छिक क्रिया और स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए अनुमति देने वाला कानून परिवेश को भी तैयार करना पड़ता है। साथ ही लोग जो विशेषकर गरीब होते हैं, बहिष्कृत होते हैं और लाभान्वित होते हैं उसके लिए आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के वृद्धि के लिए बहुत सारे स्वैच्छिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। पक्ष समर्थन, जागरूकता पैदा करना, सामाजिक संगठन में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना एनजीओ का ही काम होता है। स्वैच्छिक कार्य के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन और जन सामान्य स्तर पर सामाजिक क्षमता निर्माण में एक सहभागी के रूप में कार्य करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता का आकलन किया जाता है और सरकार के द्वारा उस समस्या को दूर करने के लिए एनजीओ का सहारा लिया जाता है। बहुत सारे आपदा प्रबंधन जैसे मतलब आपदा से संबंधित जो भी क्षमताएं होती है, आपदा से संबंधित जो समस्याएं होती है उसका निराकरण के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे एनजीओ को क्या किया जाता है, मान्यता दिया जाता है। बहुत सारे एनजीओ क्या करती है, आपदा में जो राहत कार्य होता है उसे सुसंगठित रूप से सुचारू ढंग से चलाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लोगों में स्वैच्छिक क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने का कार्य किया जाता है, भागीदारी का कार्य किया जाता है, सामाजिक सेवाओं का लाभ कैसे लिया जाता है, उन सभी चीजों को विस्तृत जानकारी दिया जाता है उन लोगों को, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है वो अपनी सहभागिता दिखाकर वो अधिक से अधिक जुड़ कर क्या कर सके, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम विकास के परिप्रेक्ष्य में राज्य और गैर सरकारी संगठनों का क्षमता निर्माण के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए, अथवा ग्राम विकास के संदर्भ में राज्य और एनजीओ की क्षमता निर्माण के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया। अथवा एनजीओ के सेवा विस्तार परिप्रेक्ष्य और क्षमता निर्माण परिप्रेक्ष्य में भेद स्पष्ट कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला है ग्राम विकास में राज्य की भूमिका, राज्य और गैर सरकारी संगठनों की क्षमता, एनजीओ के सेवा विस्तार, 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख क्षेत्र और क्षमता निर्माण प्रक्रिया, सभी को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्य विकास में राज्य की क्या भूमिका होती है, किसी भी ग्राम के विकास के लिए राज्य की क्या भूमिका होती है। तो ग्राम विकास में राज्य सरकार का जो रोल होता है वो बहुत ही आम होता है। राज्य सरकार के द्वारा किसी भी योजनाओं को चलाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ग्राम का विकास करना, ग्राम के लोगों को क्या करना है, मुख्य धारा से जोड़ना होता है। सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ने के उपरांत क्या है, उनके जीवन में परिवर्तन लाना होता है। एनजीओ की सफलता के कारण या फिर एनजीओ के कॉन्टेक्ट में रहने के कारण सरकार के द्वारा किसी भी योजना को चलाने में सुलभता आती है। सरकार क्या करती है, किसी भी योजना को चलाने के लिए एनजीओ का सहारा लेते हैं और वो अपने कोई भी योजना को सही तरीके से यूटिलाइजेशन दे सकते हैं, सही तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके संचालित कर सकते हैं। बहुत सारे कार्य जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना और अनेक बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया गया है, इसके अंतर्गत जो है राज्य और गैर सरकारी संगठनों की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। इसमें राज्य और गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन करके किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। एनजीओ का सेवा विस्तार, अगर एनजीओ का सेवा विस्तार करे, अगर कोई एनजीओ अच्छी तरह से कार्य करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने के उपरांत क्या होती है, उसे वित्त पोषण की सुविधा मिलती है, ताकि एनजीओ क्या कर सके, अधिक विस्तृत क्षेत्र में कार्य कर सके। 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि वर्ष 2002 से 2007 के बीच संचालित किया गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 2002 से लेकर 2007 तक था। इसके अंतर्गत बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे गरीबी कम करना, लाभकारी और उच्च गुणवत्ता का रोजगार प्रदान करना, बच्चों की शिक्षा, साक्षरता और वेतन दरों में महिला पुरुष के बीच दूरी को कम करना, जनसंख्या वृद्धि को घटाना, साक्षरता दरों में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर को घटाना, मातृ मृत्यु दर को घटाना, वन और वृक्ष अवधारणा को बढ़ाना, वन और वृक्ष में क्या करना, अधिक से अधिक वृद्धि करना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना आदि अनेक कल्याणकारी कार्य को 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। क्षमता निर्माण प्रक्रिया, तो क्षमता निर्माण की प्रक्रिया की अगर बात करें तो गैर सरकारी संगठनों के राज्य और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि उससे जो लाभ प्राप्त हो वो क्या हो, एक निश्चित लाभ हो, उससे किसी भी लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूरी
पूरी जो फुलफिलता है उसे पूरा करने के लिए एक उचित मापदंड हो, मतलब किसी भी योजना को चलाने के लिए क्या हो, एक उचित मापदंड हो। अनेक एनजीओ के द्वारा बहुत सारे कार्यकलाप किए गए हैं जिसमें सेवा कार्य, विस्तार कार्य, राहत कार्य है ना, मेडिकल सुविधा आदि सभी बिंदुओं को जोड़ा गया ताकि लोगों को हर तरह से सुविधा मिल सके और वो क्या है अपने स्वास्थ्य के साथ साथ वो अपने ग्राम विकास में भी अपना सहयोग दे सके। इसके कारण कभी कभी क्या होता है ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाता है ताकि ग्रामीण लोग उसमें किसी भी एनजीओ द्वारा संचालित प्रोग्राम में संचालित संगठन में संचालित योजना में अधिक से अधिक जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपाट के कार्य कौन कौन से हैं, इसका संबंध किस प्रकार के कार्यक्रमों से है स्पष्ट कीजिए अथवा कपाट पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए अथवा कपाट की मूलभूत विशेषताएं बताइए या जून 2014 में पूछा गया। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे कपाट क्या है, कपाट की क्या भूमिका है, कपाट का मुख्य कार्य क्या है, कपाट का मुख्य उद्देश्य क्या है और कपाट ग्राम विकास में कैसी इसकी सहायता करती है। तो चलिए सभी बिंदु को एक एक करके जानेंगे। पहला जानेंगे कि कपाट की भूमिका क्या है ग्राम विकास में। तो भारत के ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो समुदाय और व्यक्तियों के मध्य बदलाव की पहल और विशिष्ट मुद्दों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन को क्या किया है सुचारू रूप से चलाया है। भारत में हमेशा यह दिखा गया है कि समुदाय और व्यक्तियों के बीच क्या करना है, एक लगाव पैदा करना है, उसमें बदलाव लाना है और इसके लिए बहुत सारे विशिष्ट मुद्दों को प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने लाया गया ताकि उनके जीवन में परिवर्तन किया जा सके। बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत बहुत सारे कार्यों का लागू किया गया, बहुत सारे कार्यों को लागू किया गया। ये जो बहुत सारे कार्य लागू किया गया वो किनके द्वारा किया गया, वो ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद जिसको हम कपाट के नाम से जानते हैं। कपाट का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कपाट के नाम से जानते हैं। कपाट का फुल फॉर्म क्या होता है, कपाट का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कपाट के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को प्रशिक्षण के उपरांत उसे रोजगार मुहैया कराना, उसे रोजगार उपलब्ध कराना। तो कपाट की भूमिका की अगर बात करें तो कपाट के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के कार्य को सुलभ बनाने के लिए बहुत सारे योजनाओं को लागू किया जाता है। इसमें बहुत सारे योजनाओं को गरीब निर्धन परिवारों के बेरोजगारों के लिए भी किया जाता है। बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाता है, उसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उसमें कौशल का विकास किया जाता है और कपाट का मुख्य उद्देश्य होता है कि कौशल का विकास करने के लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाए। तो कपाट के माध्यम से उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण देने के उपरांत उसे रोजगार संबंधी जानकारी दी जाती है और उसे रोजगार के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऋण की भी सुविधा दी जाती है। इसमें क्या होता है कभी कभी कोई योजना से जोड़ने के उपरांत, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, बहुत सारी योजना है जिसमें सातवीं योजना की अवधि में भी क्या होता है स्वैच्छिक जो एजेंसियां होती है उसका मुख्य रोल रहता है गरीब निर्धनों को क्या करना, कल्याणकारी लाभों से जोड़ना, कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। स्वैच्छिक संगठनों में क्या होता है जनता का भी भागीदारी बहुत महत्व रखता है। मतलब कपाट की भूमिका को अगर सही तरीके से संचालित किया जाए तो इसमें जनता का रोल बहुत ज्यादा होता है। इसके अंतर्गत वैसे बेरोजगार जो कि शिक्षित है उनको चिन्हित किया जाता है, वैसे बेरोजगार जो अशिक्षित है उसे भी चिन्हित किया जाता है, वैसे बेरोजगार जिसमें स्किल डेवलप नहीं है, जिसमें कौशल कार्य की क्षमता नहीं है, वैसे भी बेरोजगारों को क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है और उनका आकलन किया जाता है, अलग अलग भागों में आकलन किया जाता है, उसके योग्यता के अनुसार, बेरोजगारों के योग्यता के अनुसार उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, योग्यता के अनुसार क्या होता है उसका ट्रेनिंग कराया जाता है ताकि वह रोजगार से संबंधित अपनी आजीविका को कमा सके। कपाट का अगर मुख्य कार्य करें तो कपाट का मुख्य कार्य होता है योजना को क्रियान्वयन करना, ये कार्यक्रमों का नियोजन करना, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, साथ ही साथ बहुत सारे योजनाओं में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी कैसी हो, इन सभी चीजों का आकलन किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत ये विशेषता है कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जैसे समाज के जो नीचे स्तर के लोग हैं, जैसे दलित हो गए हैं तथा पिछड़े वर्गों के लिए यह कार्य अधिक से अधिक कार्य करता है। यह क्या करता है, समाज के नीचे तबके के लोगों को उठाने का कार्य करता है, उसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करता है। तो कपाट जो है विशेष स्तर पर समाज के दलित तथा पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत है। इसका मुख्य कार्यक्रमों के बजट में से उन स्वैच्छिक संगठनों को धन
हस्तांतरित करना होता है, जो कि सरकार के द्वारा योजनाओं में शामिल होता है, सरकार की योजनाओं को संचालित करता है। इसमें खासकर जो योजना है वो है SGSY, SGRY, ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम जो लागू किए जाते हैं उसमें कपाट की मुख्य रोल रहती है, मुख्य भूमिका होती है। इसमें स्वच्छता संबंधी पेयजल कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को पेयजल सुविधा कैसे उपलब्ध कराना, ग्रामीण आवास उपलब्ध कराना। ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, ठीक है। पेयजल की सुविधा के लिए क्या है, पाइपलाइन की सुविधा की गई है, बोरिंग की सुविधा की गई है, टंकी आप देखते होंगे जगह जगह में क्या है, टंकी की सुविधा है जो कि सौर एनर्जी के द्वारा संचालित होती है ना, सोलर के द्वारा संचालित होता है। बहुत सारा पंप जो है, पाइप पंप है जो कि सोलर एनर्जी से संचालित होता है। बहुत सारे टंकी को लगाया जा रहा है गांव घर में, ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि वहां के लोगों को पेयजल को है आसानी से मिल सके। SGSY के तहत क्या होता है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को जोड़े जाने का काम किया गया। कपाट के अंतर्गत SGSY का भी गठन किया गया, इस योजना को भी लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे महिला जो कि बाहर निकलती नहीं है, जो कि घर से ज्यादा दूर जाती नहीं है, जो कि शहरी क्षेत्रों में नहीं जाती है, तो उसे क्या किया जाए, उसे एक ग्रुप के माध्यम से उसका विकास किया जाए। इसके लिए SHG का भी निर्माण किया गया, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से हम जानते हैं, स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं। उसमें गरीब महिलाओं को जोड़ा जाने लगा, वो अपने बचत को इकट्ठा करती थी, जिससे वो जागरूक होने लगी और वो अपना आत्मनिर्भरता भी अपने आप में करने लगी। मतलब क्या है, वो समूह से जुड़कर अपना बचत करने लगी, वो आत्मनिर्भर हो गई, उसे बहुत सारी चीजों का जानकारी मिलने लगा, वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ने लगी। पहले क्या होती थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला है वो बाहर नहीं निकलती थी, ठीक है। तो इन सभी योजनाओं से जुड़कर क्या होती है, वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ती है। इसके अंतर्गत कपाट का अगर बात करें तो ग्राम विकास में क्या होता है, कपाट का जो संबंध होता है वो ग्रामीण विकास से होता है, वो क्या होता है, पंचायती राज संस्थान से होता है। इसमें अधिक से अधिक कोई भी कपाट की आम सभा में अधिक से अधिक जो सदस्य भाग ले सकता है वो लगभग 100 सदस्य का होता है। इसकी समिति होती है, और समिति में क्या होता है, 25 सदस्य होते हैं। कपाट का जो समिति होता है उसमें 25 सदस्य होते हैं, और अधिक से अधिक उसमें 100 लोग जुड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठन का भी प्रतिनिधित्व किया जाता है। जितने भी स्वैच्छिक संगठन है, जितने भी SHG है, जितने भी NRLM के माध्यम से जो कार्य होते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो कार्य होते हैं, वो कपाट के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। कपाट के उद्देश्य की अगर बात करें तो कपाट ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य प्रणाली के सुधार का उद्देश्य लेकर कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थाई विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयं सेवी क्षेत्र के संगठनों को सहायता करना कपाट का मुख्य उद्देश्य होता है। उचित ग्रामीण तकनीकी के विकास की योजना के लिए राष्ट्रीय नोडल बिंदु के रूप में कार्य करना कपाट का मुख्य उद्देश्य होता है। विकास के लिए सामुदायिक गतिविधियों को उपलब्ध कराना, साथ ही साथ विकास संबंधी पर ज्ञान निर्माण कराना, ग्रामीण स्तरीय पर जनसमूह को आकलन करना, जनसमूह का एकत्रित करना, संगठनों का निर्माण करना, सशक्तिकरण करना कपाट का मुख्य उद्देश्य है। यह कपाट का क्या है, यह सब मुख्य उद्देश्य है। कपाट की ग्राम विकास में भूमिका, तो ग्राम विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य में कपाट का जो है अहम रोल रहा, जैसे गरीबी उन्मूलन, साक्षरता को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन करना, साक्षरता को बढ़ावा देना, निरक्षरता को मिटाना, स्वास्थ्य में सुधार लाना, ग्रामीण जन समुदाय के जीवन स्तर में क्या करना, परिवर्तन करना, उन्नत करना, इन सभी को कपाट के माध्यम से संचालित किया जाता है। ग्राम विकास कार्यक्रम केवल मंत्रालय और सरकारी विभागों द्वारा ही प्रचलित होती है, बल्कि लेकिन क्या होता है, जो भी NGO है, कार्यकर्ता है, उनका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लाना। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रयासों द्वारा बहुत सारे अभिकरणों और बहुत सारे रखरखाव जैसी योजनाओं को भी लागू किया जाता है, ताकि CBO के द्वारा, CBO क्या होता है, देखिए CBO होता है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कम्युनिटी के लिए काम करता है, जो कि समुदाय के लिए काम करता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और इसमें क्या है, राज्य सरकार के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा भी योजनाओं को कम्युनिटी तक पहुंचाया जाता है, समुदाय तक पहुंचाया जाता है, लक्षित समुदाय तक पहुंचाया जाता है, जिस समुदाय को इस योजना का जरूरत है उसे ही पहुंचाया जाता है। इसके लिए क्या क्या आता है, पहले आकलन क्या आता है, वेरिफिकेशन क्या आता है, सुपरविजन क्या आता है, और इसमें किसी भी ग्राम विकास योजना और कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले लक्ष्य समूह का आकलन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ग्रामीण समुदाय की भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर ही विकास कार्यक्रम का क्या क्या आता है, नियोजन क्या आता है, उसे लागू किया जाता है, साथ ही साथ कार्यक्रम द्वारा बनाई गई
मापदंडों को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच रखा जाता है, उसे जोड़ने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाता है, उसे जागरूक किया जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या है अधिक से अधिक कपास से संबंधित योजनाओं से जुड़ सके, उसे प्रशिक्षण में वो भाग ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का अस्थायी विकास करवाने के लिए समुदाय आधारित संगठनों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणों के महत्व और अनिवार्य प्रकृति की व्याख्या कीजिए, या जून 2013 में पूछा गया है। अथवा ग्रामीण विकास में सीबीओ दृष्टिकोण के महत्व को समझाइए, अथवा सीबीओ दृष्टिकोण की अनिवार्य प्रकृति पर चर्चा कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु है ग्रामीण समुदाय का स्थायी विकास, ग्रामीण विकास में सीबीओ का रोल, दृष्टिकोण की अनिवार्य प्रकृति, समुदाय आधारित दृष्टिकोण। देखिए सीबीओ, यहां पे आप सीबीओ देख रहे हैं, यहां पे भी आप सीबीओ देख रहे हैं, यहां पे भी आप सीबीओ देख रहे हैं। तो सीबीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब होता है समुदाय आधारित संगठन। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है समुदाय आधारित संगठन। तो इसका रोल जानेंगे, समुदाय के उन्नति के लिए क्या रोल है, उनके विकास के लिए क्या रोल है। तो पहला हम लोग जानते हैं ग्रामीण समुदाय का स्थायी विकास कैसे होता है। तो ग्रामीण समुदाय का स्थायी विकास करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा समय समय पर बहुत सारे स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कम्युनिटी बेस्ड योजनाओं का आयोजन किया जाता है, जो कि समुदाय के हित के लिए होता है, जो कि समुदाय के लिए लाभ के लिए होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नीचे तबके के लोगों के हित के लिए होता है, उसके कल्याण के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत गरीबी को कम करना, स्वास्थ्य संबंधी सुधारों को उन्नत करना, ग्रामीण जन समुदाय के जीवन स्तर में बढ़ोतरी करना, इन सभी बिंदुओं को आकलन किया जाता है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय और सरकारी विभागों द्वारा समय समय पर समिति का गठन करके जो योजना चलाई जा रही है उसका निरीक्षण किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है, ताकि ग्रामीण समुदाय को अस्थायी विकास का लाभ मिल सके, ग्रामीण समुदायों का अस्थायी विकास हो सके, सही तरीके से विकास हो सके। इसके लिए जो लाभुक है, लाभुक को सही लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए समिति का गठन किया जाता है, और समिति का जो गठन है उनका आकलन होता है, और वो क्या करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं। वो समुदाय से, समुदाय जो योजना से जुड़े हो रहते हैं, योजना से जो संबंधित जितनी भी कार्यनीति होती है, जितनी भी गतिविधि होती है, उसका एक रिपोर्ट तैयार करती है समिति, और समिति रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो फिर रिपोर्ट सरकार के पास भेजती है कि हाँ, इस योजना का लाभ इतने लोग ले रहे हैं, इस योजना में इतने लोग वंचित है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इस योजना से जुड़ने के पहले की स्थिति क्या थी लोगों की, और इस योजना से जुड़ने के बाद की स्थिति क्या थी लोगों की, क्या क्या परिवर्तन हुआ इस योजना से जोड़ने से। तो इन सभी चीजों को एक रिपोर्ट के तौर पर दर्ज किया जाता है, और उस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, समिति के पास जमा रखा जाता है, सरकार के आकलन में वो शामिल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रयासों से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, उसे करने का जो मुख्य कार्य होता है वो जिला लेवल पे होता है। वो क्या होता है, जिला लेवल पे होता है, जिला से ब्लॉक लेवल पे आता है, और ब्लॉक से वो पंचायत लेवल पे जाता है। पंचायत लेवल पे क्या होता है, उसका मुख्य जो नेतृत्व करता होता है वो मुखिया के द्वारा किसी योजना को निगरानी हेतु उसे मुखिया को रखा जाता है, ताकि कोई योजना में जो लाभुक है वो छूटे ना। जनसमूह की भागीदारी की जाती है, वहां के लोगों का भागीदारी लिया जाता है। अब बात हो रहा है कि ग्रामीण विकास में सीबीओ की क्या भूमिका है। तो ग्रामीण विकास में सीबीओ की अगर भूमिका की बात करें, सीबीओ का फुल फॉर्म हो गया कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि समुदाय के विकास के लिए कार्य करती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जन भागीदारी को बढ़ावा देना। भारतीय ग्राम में, अगर भारतीय ग्राम विकास में देखिए, तो जन भागीदारी का होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी योजनाओं में लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि समुदाय आधारित संगठन है, उसमें अधिक से अधिक अगर लोग जुड़ते हैं, तो उस समुदाय का विकास जल्द से जल्द होगा। भारतीय राज्य ने ग्राम विकास कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय किए, बहुत सारे स्वैच्छिक संगठनों का आयोजन किए हैं। विकास कार्यक्रमों के स्थानीय समुदाय को
सक्रिय करने के लिए उस समुदाय की भागीदारीता को परिपूर्ण किया है, उस समुदाय की भागीदारीता को सुनिश्चित किया, ताकि समुदाय आधारित जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी तरह से काम कर सके और उससे लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। ग्राम विकास हेतु समुदाय आधारित दृष्टिकोण और परिकल्पनाएं का मुख्य उद्देश्य होता है ग्राम का विकास करना, ग्राम के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, ग्राम के लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी लाना। ग्रामीण समुदाय की भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर ही विकास कार्यक्रम का संकल्प करना और नियोजन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दृष्टिकोण की अनिवार्य प्रकृति की अगर बात करें तो दृष्टिकोण की अनिवार्य जो सीबीओ की दृष्टिकोण अनिवार्य प्रकृति होती है, तो सीबीओ दृष्टिकोण की जो अनिवार्य प्रकृति होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कार्यक्रम द्वारा बनाई गई कोई भी लक्ष्य समूह को उसका लाभ मिल सके। इसमें खासकर दलित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों को शामिल किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कृषक किसानों को जोड़ा गया, ग्रामीण निर्धन किसानों को जोड़ा गया, ताकि ग्रामीण निर्धन किसान क्या सके अपने उपज में भी वृद्धि कर सके, वो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं से जुड़कर सिंचाई संबंधित जागरूकता पा सके, सिंचाई से संबंधित जागरूकता को प्राप्त करके वो अपनी खेती में उन्नत बीज का इस्तेमाल करे। इसके लिए क्या है, सरकार के द्वारा बहुत सारे योजना चलाए जा रहे हैं, उसे उन्नत बीज की जानकारी हो, उसे कीटनाशक का प्रयोग कैसे करना है, उसमें बीज किस प्रकार का यूज करना है ताकि उसका फसल क्या हो, उसमें आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो और वो उस आमदनी को प्राप्त करके वो अपने आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। विकास कार्यक्रम में बहुत सारे लागत की भी जरूरत पड़ती है जो कि विकास अभिकरण के द्वारा इसकी परिपूर्ति की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी ग्राम विकास कार्यक्रम से संबंधित योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य होता है स्थानीय समुदाय को संगठित करना, उसे लाभ से रूबरू कराना, उसके जीवन शैली में परिवर्तन करना होता है। समुदाय आधारित जो दृष्टिकोण होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है समुदाय के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय की जो भागीदारी हो वो अधिक से अधिक हो। मूल रूप से ग्राम विकास में सीबीओ का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ग्रामीण लोगों को जोड़ना होता है, ग्रामीण लोगों के जीवन को सशक्त करना होता है, उसके वहां के जो निर्धन गरीब महिला है उसे सशक्तिकरण करना, महिला सशक्तिकरण करना, उसको आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि वो आत्मनिर्भर बनकर क्या कर सके, अपने निजी विकास को बढ़ा सके, अपने निजी विकास में परिवर्तन ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागिता सोपान की अवधारणा में सीबीओ दृष्टिकोण को समझाइए अथवा समुदाय आधारित संगठनों जिसको हम सीबीओ के नाम से जानते हैं की मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया। अथवा समुदाय आधारित संगठनों की मूल विशेषताओं की सूचीबद्ध कीजिए अथवा सीबीओ की शक्तियां और बाधाएं सीमा बाधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला बिंदु है सहभागिता सोपान की अवधारणा, निष्क्रिय सहभागिता, परामर्शी सहभागिता, एकदायी सहभागिता, स्वयं संगठन, समुदाय आधारित संगठन, समुदाय आधारित संगठन की विशेषताएं, सदस्यता आधारित, सामुदायिक योगदान और सीबीओ की शक्तियां और सीमाएं, सभी को हम एक एक करके जानेंगे। पहला जानते हैं सहभागिता सोपान की अवधारणा। तो किसी भी समुदाय आधारित विकास कार्य को करने के लिए, संचालित करने के लिए, सुलभ तरीके से उसे अपनाने के लिए उसमें लोगों की सहभागिता का होना बहुत जरूरी होता है। अगर लोग किसी भी कार्यक्रम से, किसी भी योजना से अधिक मात्रा में जुड़ते हैं, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते हैं, तो उस योजना को सही तरीके से क्रियान्वित की जा सकती है, उस योजना का सही तरीके से संचालन किया जा सकता है। अगर किसी भी समुदाय आधारित संगठन को चलाने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, आम सभा का आयोजन करना चाहिए और वहां के लोकल प्रतिनिधियों को जुड़ना चाहिए, उसमें लोकल आदमियों को जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। अगर उसकी सहभागिता होती है तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी समस्या आती है योजना को चलाने में तो उसमें हमारा उससे सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगा और हम योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों की सहायता से अधिक विस्तृत क्षेत्र तक चला सकते हैं, उसका संचालित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे निष्क्रिय सहभागिता, तो सहभागिता की प्रक्रिया समुदाय की निष्क्रिय सहभागिता से आरंभ होती है। ग्रामवासी जो होते हैं, जो कि लाभग्राही होते हैं, जो कि लाभुक होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी योजना से जुड़ने का जब तभी कार्य करते हैं जब उसको लाभ पहुंचे। तो किसी भी कार्यक्रम का जो नियोजन होता है वो पूर्ण रूप से विकास अभिकरणों के माध्यम से ही होता है। किसी भी कार्यक्रम में जो उसका नियोजन किया था, उसका जो प्लानिंग किया था, उसकी जो अवधारणा होती है, उसका जो क्रियान्वयन होता है, उसका काम ही होता है, उसका उद्देश्य ही होता है कि विकास कार्य को अच्छी तरह से किया जा सके। परामर्शी सहभागिता,
जिसमें क्या होता है ग्राम वासियों से उनके विचार जानने के लिए परामर्श किया था। परामर्शी में हम क्या होता है लोगों का ओपिनियन जाना जाता है, उनका विचार जाना जाता है। अब मान लीजिए हम कोई कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सामने वाला का भी विचार जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए परामर्श करना जरूरी होता है, उसके विचारों को उसके भावों को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो परामर्शी सहभागिता के अंतर्गत ग्राम वासियों से उनके विचार जानने के लिए परामर्श किया जाता है, परंतु निर्णय का अधिकार विकास अभिकरणों के पास ही होता है, जो एनजीओ कार्य करते हैं उसके पास ही होता है। अब एनजीओ को डिपेंड करना पड़ता है, उसे निर्णय लेना पड़ता है कि इस कार्य को किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है ऐसी है, यहाँ के ग्राम का जो सदस्य है, ग्राम में रहने वाले जो निर्धन गरीब है उनका मेंटेलिटी इस तरह से है, तो उसका जो निर्णय लेना पड़ता है परामर्श के बाद वो एनजीओ के हेड को ही लेना पड़ता है। योगदायी सहभागिता की अगर बात करें तो लाभार्थी ही परियोजना की लागत को परस्पर वहन करते हैं और योगदान नगद या फिर वस्तु या फिर श्रम के रूप में या अपनी भागीदारी को दिखाते हैं। इसमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें जुड़ा जाता है, सदस्य के रूप में जुड़ता है, किसी भी एनजीओ या फिर किसी भी कार्यक्रम से क्या होगा सदस्य के रूप में जुड़ता है, वो अपना श्रम के द्वारा उस योगदान को देता है या फिर हो सके वो नगद दे या फिर किसी वस्तु के माध्यम से वो अपना योगदान को सहभागिता को दर्शाता है। कभी कभी यह योगदान जो होता है वो परियोजना द्वारा भी बनाई जा सकती है। ठीक है, स्वयं संगठन, स्वयं संगठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो निस्वार्थ भाव से कल्याणकारी कार्य को करना होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में उस कार्य को इंप्लीमेंट करना होता है, उसके कार्य प्रणाली की देखरेख करना होता है, पूरे टेन्योर जो जो कि पूरा कार्य प्रणाली को जो देखा जाता है, जो उसका समय अवधि होता है उस समय अवधि में क्या उतार चढ़ाव है, उसमें क्या क्या समस्या हो रही है, उसका कैसे निपटान करना है, यह स्वयं संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। समुदाय आधारित संगठन जो कि हम सीबीओ इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, तो सीबीओ का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसी भी समुदाय का उत्थान करना होता है, किसी भी समुदाय को उन्नत करना होता है, किसी भी समुदाय को क्या होता है गरीबी रेखा से उठाने का कार्य किया जाता है, जो समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाता है। समुदाय आधारित संगठन की अगर विशेषताएं की बात करें तो इसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत सदस्यता की बात की जाती है, इसके अंतर्गत पारदर्शिता होता है, कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो उसमें अस्पष्टता होती है, लोगों को गुमराह नहीं किया जाता है। ऐसा होता है कि कोई भी कार्य से हम जोर लिए लोगों को समझाते नहीं है तो वो क्या करेगा, फिर बाद में वो उस समूह से नहीं जुड़ेगा, उस एनजीओ से नहीं जुड़ेगा, उस कार्यक्रम से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करना पड़ता है, उस योजना के बारे में समझाना पड़ता है, उस योजना के क्या लाभ है उसकी विस्तृत जानकारी देनी पड़ती है। जैसे सदस्यता आधारित, बहुत सारे एनजीओ क्या होते हैं सदस्यता आधारित होती है, उसमें क्या लोगों को जोड़ा जाता है, उसमें सदस्यता लेनी पड़ती है। तो यदि किसी गांव में पेयजल योजना, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम अगर जाने कि पेयजल योजना का आयोजन किया जा रहा है, जलधारा का आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें वहां के लोगों को जोड़ना पड़ता है, वहां के लोगों की सदस्यता अनिवार्य होती है। सपोज मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एक टंकी लगा दे रहे हैं पानी का, तो पानी का टंकी लगा के आप एनजीओ के माध्यम से टंकी लगा दिए, वहां से चल दिए, लेकिन उसका देखरेख कौन करेगा, उसका रखरखाव कौन करेगा, उससे संबंधित अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका जानकारी कौन देगा आप तक, तो उसके लिए वहां के लोगों की सदस्यता होना बहुत जरूरी होता है। वहां के लोगों को जोड़ना क्या होता है, उस संगठन से जोड़ना, उस योजना से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर उस योजना से उस लोगों को जोड़ा जाता है, वहां के लोकल लोगों को जोड़ा जाता है, तो आपका जो योजना चलाया जा रहा है, कार्यक्रम है, उसका सही तरीके से देखरेख भी होगा और वो अपना उत्तरदायित्व को सही तरह से निभाएगा भी। सामुदायिक योगदान, सामुदायिक योगदान का जो संबंध होता है वे होते हैं कि किसी भी विकास से संबंधित जो परियोजना चलाई जाती है उसमें एक खास समुदाय का उसमें भाग होता है, हिस्सा होता है, उसमें सदस्यता होती है। कभी कभी समुदाय आधारित जो योगदान होता है, वो समुदाय आधारित योगदान का मतलब होता है उस वो श्रम का भी योगदान हो सकता है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हैं, या भी हो सकता है कि किसी मान लीजिए वित्त सुविधा का अभाव हो रहा है तो उसमें समुदाय क्या करते हैं अपना अपना योगदान देते हैं, उसमें अपना अपना क्या करते हैं हिस्सा देते हैं, और उसमें जो कोई भी योजना को लागू किया जाता है उसका 10% कम से कम दिया जाने का प्रावधान है। सरकार के द्वारा सब्सिडी रेट में कोई भी आयोजन किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई समुदाय आधारित कोई योजना चलाया जा रहा है, पेयजल की योजना हो गई या फिर मान लीजिए कुटीर उद्योग का योजना हो गया, तो उसमें क्या होता है सरकार के द्वारा तो आवंटन किया जाता है, सरकार के द्वारा फंडिंग की जाती है, लेकिन समुदाय को भी अपना कुछ अंश उसमें दिया जाने का प्रावधान है। उसमें जो समुदाय जो अपना अंश देती है कम से कम मिनिमम 10% होना चाहिए, सरकार सब्सिडी रेट में उसे 90% दे देगी, और उसमें क्या होता है ब्याज भी नहीं लगता है, यह भी सुविधा होता है। सीबीओ की शक्तियां और सीमाएं, तो सीबीओ द्वारा कोई भी नियोजन जो चलाया जाता है, संचालित किया जाता है, क्रियान्वयन जो किया जाता है, वो योजनाओं को विस्तृत करना होता है, कुशल कार्य करना होता है, अधिक न्याय संगत कार्यों को करना होता है। मतलब सीबीओ के माध्यम से, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कोई भी जो कार्य किया जाता है वो समुदाय की शक्तियों का संवर्धन करना होता है, वहां के लोगों के कार्य करने की प्रणाली में, कार्य करने की शैली में
कुशलता लाना होता है, साथ ही साथ न्याय संगत कार्यों को इसमें भागीदारी दी जाती है, उसमें सही कार्य किया आता है, न्याय संगत किया आता है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं किया आता, वह हित का ही काम किया आता है, कल्याणकारी काम ही किया आता है। और इसका भी क्या होता है, एक मापदंड होता है, एक सीमा होता है, जिसके अंतर्गत विकास परियोजना को लागू किया जाता है, सार्वजनिक प्रदाय व्यवस्था को लागू किया जाता है, सामूहिक क्रिया को लागू किया जाता है, जिसमें क्षमता निर्माण कार्य होता है, जिसमें सशक्तिकरण का कार्य किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने का कार्य किया जाता है, इसकी एक कार्य अवधि होती है। किसी भी जो सीबीओ दृष्टिकोण की जो बाधाएं होती है या फिर समस्या होती है, उसका निराकरण कैसा किया जाए, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली करने हेतु लोगों को किस प्रकार शक्तिशाली किया जाए, लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, राजनीतिक स्थिति को सुधारा जाए और उसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाया जाए, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। वो किस प्रकार अपना आत्मनिर्भर बन सकेंगे, वो किस प्रकार रोजगार से जुड़ सकेंगे, वहां के किसानों को किस प्रकार से सशक्त किया जाए, किसानों को किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए उसे जागरूक किया जाए, इन सभी बिंदुओं का आकलन किया जाता है। महिलाओं को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसे किस प्रकार छोटे छोटे उद्योगों से जोड़ा जाए, इन सभी चीजों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सीबीओ के माध्यम से किया जाता है। इसमें भागीदारी की महत्वता बहुत ज्यादा होती है। अगर अधिक से अधिक वहां के ग्रामीण क्षेत्र के किसान, ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो महिलाएं हैं, अगर अधिक से अधिक भाग लेती है तो वो किसी भी योजना से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन में समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए अथवा वन प्रबंधन समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन में समुदाय आधारित संगठन की क्या भूमिका है, वन प्रबंधन समिति का क्या रोल है, सभी को हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त वन प्रबंधन। तो संयुक्त वन प्रबंधन का कार्यक्रम जो है, इसका मुख्य रोल जो होता है वो होता है वनों का संरक्षण करना होता है। अगर हम दूसरे अर्थों में जाने तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम वनों के संरक्षण एवं रखरखाव में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ उनकी सरकारी वन से संबंध, उनकी वानिकी जरूरतों और अनेक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। मतलब संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है वनों का संरक्षण करना, वनों का देखरेख करना, वनों का सही तरीके से रखरखाव करना और इन सभी कार्य प्रबंधन को, इन सभी कार्य प्रणाली को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। मतलब अगर किसी वन का, मान लीजिए आसपास के जंगलों का, वनों का अगर हम संरक्षण करते हैं तो वहां के लोगों की भागीदारी को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाता है, लोगों को सम्मिलित किया जाता है उस योजना से कि अगर लोकल लोग रहेंगे तो वनों का संरक्षण अच्छी तरह से हो सकेगा, अगर लोकल को रखा जाए तो वनों का रखरखाव अच्छी तरह से हो सकेगा। ठीक है, तो क्या है, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो वनों का संरक्षण करना, रखरखाव करना और रखरखाव करने के लिए वहां के स्थानीय लोगों को उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक जोड़ना होता है। संयुक्त प्रबंधन में समुदाय आधारित संगठन, तो सीबीओ का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, समुदाय आधारित जो संगठन होता है, उसका बहुत ज्यादा रोल रहता है किसी भी जंगल या फिर किसी भी वन को संरक्षण करने के लिए, उसके रखरखाव करने के लिए। सर्वप्रथम अगर देखिए तो वन नीति, पहला जो वन कानून बना था फॉरेस्ट विभाग, आप देखते होंगे कि आप कोई कहीं कहीं जंगल है वहां पे लिखा रहता है कि ये फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत है, आप यहाँ के जंगल को नहीं काट सकते, आप यहाँ के वन को नहीं काट सकते, ये सरकार के द्वारा सुरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो नीति, वन कानून जो बनाया गया था, ठीक है, वो जो बनाया गया था, सर्वप्रथम वन नीति वर्ष 1994 में बनाई गई थी और यह लगभग एक शताब्दी के बाद भारतीय वन नीति के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका, इसे सरकार मान्यता दी दी थी कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी वन को काटेगा, अगर वो रिजर्व किया हुआ है तो वहां उसे क्या है, उसे सजा का प्रावधान किया गया, उसे जुर्माना का प्रावधान किया गया, बहुत सारे संवैधानिक नीतियों को लागू किया गया है। इसमें उसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, बहुत सारे जंगलों को आप नहीं काट सकते, बहुत सारे वृक्षों को आप नहीं काट सकते, अगर किसी वृक्ष को आप काटना चाह रहे हैं किसी कार्यवश तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। सपोज मान लीजिए आपको घर बनाना है और वहां पे शीशम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, तो आप नहीं काट सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो मेरे द्वारा लगाया गया वृक्ष है, मैं इसको काटूंगा। इसके लिए क्या है, बहुत सारे नीति और प्रावधान लागू किए गए हैं सरकार के द्वारा। अगर आप किसी कीमती वृक्ष को काटते हैं तो इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, आपको उद्देश्य बताना पड़ेगा कि आप किस लिए इस वृक्ष को काट रहे हैं। इसके लिए आपके लोकल प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता है। लोकल प्रशासन में अगर आपको देखा जाए तो वीडियो से, वीडियो के पास, सीओ के पास आवेदन दिया जाता है, वीडियो या सीओ के पास आवेदन देकर आप उस वृक्ष को काट सकते हैं, तभी काट सकते हैं जब वहां से आपको अप्रूवल मिल जाए।
उसके लिए आपको उद्देश्य बताना पड़ेगा कि आप वृक्ष को क्यों काट रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये आपका जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, वन विभाग के अंतर्गत आता है, आपको वन विभाग के द्वारा परमिशन लेना पड़ेगा और फिर वृक्ष को आप काट सकते हैं। तो बहुत सारे वन विभाग के द्वारा वन कानून के माध्यम से बहुत सारे कानून को लागू किया गया। अगर आप अनीतिगत किसी पर्यावरण को आप दूषित करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण नहीं करते, पर्यावरण को पर्यावरण से संबंधित वृक्षों को काटते हैं अगर, तो आपके लिए जुर्माना का प्रावधान है, आपको सजा भी हो सकता है, वन विभाग के द्वारा आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो 1980 के दशक तक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत सारे योजनाओं को लागू किया गया ताकि पर्यावरण से संबंधित जो चिंता को है उसे सुनिश्चित किया जा सके। अगर वन रहेगा तो हमारा पर्यावरण सही रहेगा, है ना, सही सही समय पर क्या होगा, बारिश होगी। तो पर्यावरण के संतुलन के लिए वनों का रखरखाव या उसका उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी है। संयुक्त वन समिति के लिए वन क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिए वन विभाग के माध्यम से राज्य और ग्राम वन प्रबंधन समिति के द्वारा बहुत सारे समझौते किए गए, बहुत सारे कार्य किए गए, जिसमें राज्य सरकार की सहमति हुई कि नहीं, वन को बचाना बहुत जरूरी है, अगर वन बचा रहेगा तो हमारा क्या है, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। तो ग्राम वन समिति तथा वन प्रबंधन समिति मूलतः एक समुदाय आधारित होती है। जो ग्राम वन समिति है, एक समिति है सरकार के द्वारा संचालित है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको वन प्रबंधन समिति, ये क्या है, सीबीओ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या है, समुदाय आधारित संगठन के द्वारा ही संचालित होती है। वहां के लोकल लोगों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए, मतलब संयुक्त वन प्रबंधन में समुदाय आधारित जो संगठन की अगर बात की जाए, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यविधियां और मापदंडों को शामिल किया गया है, जैसे प्रबंधन इकाई, सहभागिता, कार्यकारिणी समिति का गठन, कार्यकारी समिति के अधिकारों को विस्तृत रूप से जानना, इमारती लकड़ी जैसे गैर इमारती लकड़ी आदि में क्या करना, विभक्त करना, उसको आकलन करना, डिफेंसेस दिखाना। इसके अंतर्गत बहुत सारे वन विभाग के द्वारा लकड़ियों को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जैसे बहुत सारे लकड़ी को इमारती लकड़ी के रूप में बांटा गया, बहुत सारे लकड़ी को गैर इमारती लकड़ी के रूप में बांटा गया। जो इमारती लकड़ी को काटेगा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काटना चाह रहा है, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा वन विभाग से, अगर आप नहीं लेते हैं तो ये अवैध है, ये कानून के विरुद्ध है, आप अपराध कर रहे हैं, आपको सजा भी हो सकता है या फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए वन विभाग के द्वारा, वन कानून के द्वारा बहुत सारे नीति को लागू किया गया सरकार के द्वारा। वन प्रबंधन समिति जिसको हम JFM के नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग JFM के नाम से जानते हैं। तो संयुक्त वन प्रबंधन जो होता है, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए काम करने के लिए ग्रामवासी और बहुत सारे समितियों को जोड़ा गया ताकि वन की सुरक्षा हो सके। इसमें जो समस्या उत्पन्न होती है, अगर मान लीजिए कि इस कार्यक्रम को चलाने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, किसी प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी विभागों और अभिकरणों के साथ साथ बहुत सारे एनजीओ को भी जोड़ा गया है ताकि एनजीओ के माध्यम से भी क्या हो सके, वन का सुरक्षा हो सके, वन का संरक्षण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरशेड विकास योजना में समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए अथवा वाटरशेड संघों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले जानेंगे वाटरशेड विकास योजना क्या, वाटरशेड विकास में एनजीओ की क्या भूमिका, वाटरशेड संघ या समितियों का गठन क्यों किया जाता है। तो पहले हम लोग जानेंगे वाटरशेड विकास योजना है क्या। तो प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास पर रोक लगाने के लिए वाटरशेड विकास योजना एक राष्ट्रव्यापी योजना है। वाटरशेड जिसको हम जल संभर योजना के नाम से भी जानते हैं, वाटरशेड को हम जल संभर योजना के भी नाम से जानते हैं। तो वाटरशेड या जल संभर एक भूजल वैज्ञानिक इकाई अथवा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका निकास एक साझा स्थल द्वारा होता है। उसमें क्या है कि वाटर को संचलित करना, वाटर को एक जगह इकट्ठा करना, वाटरशेड का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है बरसात के पानी को संजोए रखना होता है, उसका संरक्षित करना होता है, उसको सही तरीके से उसको एक जगह इकट्ठा करके रखना होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि उत्पादन संबंधी क्षेत्रों में वाटरशेड द्वारा संरक्षित वाटर को, संरक्षित पानी को क्या करना है, कहीं यूटिलाइज करना है, उसे किसी कार्य में लगाना होता है। कार्य में लगाने के बाद उसको हितकारी संबंधित कार्यों में संवर्धन के लिए उसका यूज करना होता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा वाटरशेड विकास परियोजना को लागू किया गया। इसमें बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखा गया। वाटरशेड विकास परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में इस योजना को चलाना, जहां पे पानी की कमी है, पानी की उपलब्धता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में
जहां पे सुखार है, जहां पे अकाल पड़ता है, जहां पे पानी की उपलब्धता नहीं है, जहां पे आप बोरिंग भी कीजिएगा तो पानी नहीं निकलेगा, तो उस सभी क्षेत्र में क्या है वाटरशेड विकास योजना को लागू किया गया। खासकर आप अपने देश में अगर कहें तो मरुस्थल इलाकों में इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदु है, बहुत सारी योजना है, सब योजना है, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र में कार्यक्रम को चलाया जाना, जहां पे पानी नहीं हो रहा उस जगह पे वाटरशेड परियोजना को लागू करना, मरुस्थल विकास कार्यक्रम है, ये भी क्या है कि पानी की कमी को दूर करने का कार्यक्रम है, समीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना है, ये भी क्या होता है ये सुखार क्षेत्रों में ये लागू किया जाता है। ये सभी जो योजनाएं हैं वो है पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाओं को लागू किया गया। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया गया, बहुत सारे कार्यक्रमों को लागू किया गया, जिसमें खासकर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, साथ ही साथ मरुस्थल विकास कार्यक्रम है, साथ ही साथ समेकित बंजर भूमि विकास परियोजनाएं हैं, एवं वर्षा पोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य भारतीय और विदेशी विकास और सहायता अभिकरण और संस्थाएं भी है, बहुत सारे एनजीओ भी है जो कि पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है, जिन्होंने अपने विकास कार्य में वाटरशेड दृष्टिकोणों को अपनाया है और ये विकास क्षेत्र में ये क्या हुआ है सही तरीके से संचालित भी हुआ है। वर्ष 1994 में ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार ने वाटरशेड विकास के लिए देश को निर्देशित किया। वर्ष 1994 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी की कमी होती है उसकी भरपाई करने के लिए ग्राम विकास मंत्रालय ने वाटरशेड परियोजना का आयोजन किया, वाटरशेड विकास परियोजना को लागू किया ताकि वहां के लोगों को पानी की कमी ना हो। जहां पे मान लीजिए पानी की सूखा संभावित क्षेत्र है, जहां सूखा प्रभावित क्षेत्र है जैसे राजस्थान हो गया और जो जहां पे पानी की कमी होती है उन सभी क्षेत्रों में इस योजना को लागू करने का प्रावधान किया गया, जो कि वाटर शेड विकास योजना के नाम से हम इसे जानते हैं। वाटर शेड विकास योजना में एनजीओ की अगर भूमिका करें तो बहुत सारे एनजीओ क्या करते हैं, एनजीओ के माध्यम से सब्सिडी रेट में बोरिंग करने की सुविधा है, वॉरवेल की सुविधा है, पाइपलाइन की सुविधा दी गई है ताकि गरीब क्षेत्रों में रहने वाले गरीब निर्धन लोगों के घर में पानी की उपलब्धता हो सके, उसके लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है, टाइम पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है कि समय समय में पानी आएगा। जैसे मान लीजिए दिन में क्या 8 से 9 बजे तक पानी आएगा, आप 8 से 9 बजे तक पीने का पानी भर लीजिए, 8 से 9 बजे के बाद पानी की सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। तो सरकार के द्वारा इस योजना को भी लागू किया गया जिसमें लोगों को क्या होता है पीने योग्य पानी मिल जाता है, स्वच्छ पानी मिल जाता है, साफ सुथरा पानी मिल जाता है। वाटर शेड संघ और समितियों का गठन क्यों किया गया है इसको जानते हैं। तो वाटर शेड संघ और समितियों का गठन का मुख्य उद्देश्य होता है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें पानी की उपलब्धता कराना, उन्हें पानी की सुविधा देना, उन्हें पेयजल की सुविधा देना। परियोजना को क्रियान्वयन करने के लिए बहुत सारे नवाचार की आवश्यकता होती है, बहुत सारे नवाचार को जोड़ा गया जिसमें सीबीओ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ना, बहुत सारे एनजीओ को जोड़ना सरकार का क्या था मुख्य उद्देश्य था, ताकि एक विस्तृत समुदाय तक वाटर से संबंधित सुविधाओं को वहां के लोगों को मिल सके। साथ ही साथ उससे संबंधित भौतिक संसाधनों के रख रखाव के लिए वहां के निजी लोग लोकल लोगों को भी सम्मिलित किया गया उसमें समिति का गठन करके। जैसे मान लीजिए वाटर सेट बनाया गया, टंकी बनाया गया, या फिर नलकूप बैठाया गया, या फिर मान लीजिए बोरिंग किया गया पानी के लिए, या फिर नल की व्यवस्था की गई, तो उसका भी तो रख रखाव होना चाहिए, उसका भी तो देख रेख होना चाहिए। अब नल लगवा दिए, वाटर सेट लगवा दिए, पानी की सुविधा के लिए मान लीजिए बोरिंग करवा दिए और कोई तोड़ दे रहा है, कोई उसको हानि पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, तो उसका देख रेख कौन करेगा, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वाटर सेट संघ की स्थापना की गई, समिति का गठन किया गया। इसमें लोकल लोग को भी जोड़ा गया, लोकल लोगों को क्या किया गया, स्थानीय लोगों को सदस्यता दी गई, स्थानीय लोगों को सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं में सदस्यता दी गई कि नहीं आपको इसका देख रेख करना है, निगरानी करना है, अगर इसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है फीडबैक देना है, आपको जानकारी देना है। इस प्रकार वाटर शेड योजना सामुदायिक भागीदारी को क्या करता है सुनिश्चित करता है। सीबीओ दृष्टिकोणों के आधार पर भी अगर देखें तो वाटर शेड क्या करता है समुदाय के विकास में बाधा ना पहुंचे इसलिए वो ये कार्य करती है जो कि हितकर कार्य होती है। समुदाय के जो वाटर संबंधित जो पानी संबंधित जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए ये समिति कार्य करती है ताकि उसे पानी की कमी ना हो, पेयजल की कमी ना हो, उसे जल से संबंधित जो संसाधन या फिर कार्य करना पड़े तो उसे कोई किसी प्रकार का उसे असुविधा से जूझना ना पड़े, उसे किसी प्रकार का समस्या ना हो।
तो वाटरशेड का जो मुख्य वाटरशेड विकास योजना का जो मुख्य योजना था, मुख्य उद्देश्य था, वो था कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जो गरीब निर्धन परिवार हैं, जो गरीब घर है, जो गरीब समुदाय हैं, जो कि पानी से वंचित रहते हैं, पानी के कारण उसे प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, समस्या को झेलना पड़ता है, उसका निराकरण करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वाटरशेड संघ या समितियों का मुख्य उद्देश्य था कि उससे जो संबंधित पानी से, पानी की कमी से जो संबंधित जो समस्या उत्पन्न होती है उसका निराकरण करना, उसके समस्या को पानी उपलब्ध करा के उसका समस्या का हल करना, उसे पानी की उपलब्धता कराना, इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो वाटरशेड विकास योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो पानी की उपलब्धता कराना, पानी की सुविधा को उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्रों में। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं इस टॉपिक में वीडियो जरूर बनाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।